चाहे मर जाना, लेकिन नवरात्रि के दिनों में भूल से भी ये सात काम मत करना, पूरे परिवार पर आ सकता है भयंकर संकट। तो कौन कौन से हैं वो सात काम, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि आते ही माँ दुर्गा के भक्तों का मन खुशी से भर जाता है। माता रानी के दर्शनों के लिए सभी भक्त आतुर रहते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ होता है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं और दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए हवन तथा यज्ञ भी करते हैं। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं। जैसे मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति 9 दिनों तक नंगे पैर रहते हैं, चप्पल या जूते भी नहीं पहनते। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। माता रानी के मंत्र जाप भी उनमें से एक है। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है, वह उन्हें कभी भी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसे अनसुना नहीं करती। नवरात्रि का पर्व है, शक्ति का पर्व है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके माँ दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान कर देती हैं। माता रानी के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। मन में केवल माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्यों के बारे में भी बताया गया है जो माता रानी को प्रिय नहीं है। इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर माँ दुर्गा क्रोधित भी हो जाती है और माँ दुर्गा के क्रोध के सामने खड़े होने की क्षमता देवताओं के पास भी नहीं है, तो साधारण मनुष्य की तो क्या ही बात है। व्यक्ति की पूजा अर्चना से माता जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, गलती करने पर उतनी ही जल्दी वो रुष्ट भी हो जाती हैं। जब कोई मनुष्य नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है तो उसको अवश्य ही माता दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आज मैं ऐसे ही 7 कार्यों के बारे में बताऊंगा जो नवरात्रि में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें नवरात्रि में करना अशुभ और दंडनीय माना गया है। इनमें सबसे पहला काम है द्वार पर आए याचक का अपमान करना। दोस्तों, नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या दुखियारी माँ भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगती है तो उसका भूल से भी अपमान ना करें अथवा उन्हें घर से खाली हाथ ना जाने दें। यदि आपके घर में कोई दासी भी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। दूसरा काम है दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। जैसे कि किसी को झूठ बोलना, किसी की चोरी करना अथवा धोखेबाजी करना, पशुओं को सताना, पशुओं पर अत्याचार करना, किसी गरीब को नीचा दिखाने की कोशिश करना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति कभी भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं जिनसे माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। तीसरा काम, महिलाओं का अपमान करना। दोस्तों, आप सभी से विनती है, नवरात्रि पे आप किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। स्त्रियां माँ का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, क्योंकि स्त्रियां अपनी खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जीवन भर बिना थके अपने परिवार के लिए कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है और स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उसको माँ दुर्गा अवश्य ही दंडित करती हैं। चौथा काम, तामसिक भोजन का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा के साथ साथ लहसुन प्याज भी तामसिक चीज़ें हैं, इन्हें ग्रहण करना भी उचित नहीं है। किंतु आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो माँ
दुर्गा आप पर क्रोधित हो जाएगी, अतः नवरात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पांचवां काम, घर को खाली ना छोड़े। नवरात्रि का कलश यदि आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ है तो आप अपने घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। घर में किसी न किसी व्यक्ति को अवश्य ही रुकना चाहिए। नवरात्रि में माँ आपके घर किसी भी समय प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में घर बंद हो, घर में कोई ना हो तो माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। यदि घर में कोई ना हो तो बिल्ली आदि प्राणी कलश को गिरा सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। छठी बात है शारीरिक संबंध। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। सातवीं बात, दोस्तों नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि चमड़ा पशुओं को मार करके प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि के व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को इन सभी नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए। आठवीं बात, दिन में सोना। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है, अतः माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 9 दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी नवरात्रि के दिनों में इन नियमों का पालन अवश्य करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएँ और कॉमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।